सो गाइस, रशिया पहुंच चुका हूं मैं। पहुंच तो मैं कल सुबह ही गया था। कल सुबह मैं सीधा गया, एक मेरा दोस्त है, दोस्त तो खैर फ्लाइट में बन गए थे हम लोग, हरियाणा से लड़का था, कुरुक्षेत्र से, तो उसके रूम में चला गया, सो गया। 2-3 घंटे बाद उठा, फिर मैंने 12 बजे चेक इन किया मेरे हॉस्टल में, फिर आज मैंने 12 बजे चेकआउट कर दिया। अभी मैं फ़िलहाल हूँ मेरे होस्ट के घर पे, जिनका नाम दैमेत्री है, और ये मेरे अब तक के पहले फॉरेनर होस्ट हैं, मतलब जो मुझे होस्ट कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, जिसमें से 3-4 लोगों ने एक्सेप्ट किए, तो काफ़ी अच्छा लगा। अभी मुझे बाहर लंच करवाने भी लेकर गए थे, तो अभी मेरे होस्ट के पास रुका हुआ हूँ। तो अब बात करते हैं कि रशिया का जो इमिग्रेशन है वो कितना टफ है या आसान है, उसके बाद अपने बात करते हैं इंडियन इमिग्रेशन की, और उसके बाद अपने बात करेंगे जो इंडिया में जो बोर्डिंग पास देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है, क्योंकि बोर्डिंग पास अगर आपको मिल गया तो समझ लो कि आप मॉस्को तो आ ही जाओगे ना। यहाँ की इमिग्रेशन की बात में बात है तो नाटक शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या सीन हुए और क्या क्या नाटक हुआ, यहाँ तक कि मुझे एक बार तो लग रहा था कि मुझे भी बोर्डिंग पास नहीं देंगे। हालांकि मेरे पासपोर्ट पर 6 कंट्री की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, ये 7वीं कंट्री है मेरी रशिया। तो हुआ क्या, जब मैं मेरे बोर्डिंग टिकट लेने पहुंचा तो काउंटर पर तो वो लड़की थी, लड़की ने मुझसे पूछा कि मैं रशिया क्यों जा रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ। मैंने अब तक यहाँ पर यूट्यूब का नाम नहीं लिया था, और मैं सब आपको सारी बात बता दूँ, जब मैंने यूट्यूब का नाम लिया तभी मुझे बोर्डिंग पास दिया गया, ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ आपको क्या क्या सीन हुआ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो आपकी होटल बुकिंग है वो आपकी पे एट चेकआउट टाइम है, यानी कि कन्फर्म नहीं है। मैंने कहा ये मेरी होटल कन्फर्म ही है, booking.com पर मेरा क्रेडिट कार्ड लगा हुआ है। तो इस बात को मुझे सेटिस्फाई करने के लिए उनको 10 मिनट लग गए, ठीक है। मुझे टोटल 27 मिनट तक रोक के रखा था, और मुझे एक बार साइड में कर दिया था, और वो लड़की फिर मेरे डॉक्यूमेंट लेके किसी और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गई, फिर वहां से वापस आई, और फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि जो आपका जो इनविटेशन लेटर है वो किसने दिया आपको। मैंने कहा भी इनविटेशन लेटर है जिन भैया से मैंने वीज़ा लिया था, जो भैया है मेरे, आई बार मैं उन्हीं से वीज़ा लेता हूँ, उन्होंने करवा के दिया है। तो फिर वो बोले कि आपकी रिटर्न टिकट कहाँ है, तो मैंने फटाफट मेरे रिटर्न टिकट की हुई थी, मैंने वो दिखा दी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आपकी कोविड की रिपोर्ट है वो आपने रजिस्ट्रेशन 15 दिन पहले करवा लिया था। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन 15 दिन पहले करवा लिया था तो मैंने सैंपल तो कल दिया है ना, आपको तो 72 आवर्स की चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। अब मतलब 15 दिन पहले मैंने कोविड का मैंने उनको बोला कि आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ आकर लाइन में लगूं, क्यू में लगूं, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं और उसके बाद मैं कोविड टेस्ट करवाऊं। तो फिर मैंने ये सेटिस्फाई किया। उसके बाद फिर वो बोल रहे हैं कि बात कर रहे हैं आपके लिए। मैंने कहा मुझे आप क्यों रोक रहे हो, मतलब मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा एक YouTube चैनल है। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा कि आप यूट्यूबर हो। मैंने कहा हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। तब उन्होंने लड़की ने उसके 2 या 3 मिनट तक कुछ करती रही नीचे, उसके बाद वो मुझे बोली कि आप अपना लगेज रखिए। तो मुझे फाइनली पता लग गया था कि अब ये मुझे बोर्डिंग पास देगी। अब बात कर लेते हैं कि मॉस्को में जब मैं पहुंचा तो वहां इमिग्रेशन में मुझसे क्या पूछा गया। सबसे पहले मैं बता दूं, जब मैं मॉस्को पहुंचा तब काफ़ी सारी लंबी लाइन लगी, एक फॉर्म भरना दे देते हैं आपको, एक फॉर्म भरना रहता है। और जब मैं मॉस्को इमिग्रेशन पर पहुंचा काउंटर पर, तब क्या हुआ, उसने सिर्फ मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, है ना। अभी तक मैं सारे डॉक्यूमेंट की लाइन लिस्ट बनाकर खड़ा था, मैंने कहा कब क्या पता क्या मांग ले। उसने मेरा पासपोर्ट मांगा और उसने स्टैंप देखे और उसने कुछ भी नहीं किया और स्टैंप लगा दी। मतलब मुश्किल से 30 सेकेंड लगे एक फॉर्म पर मुझसे साइन करवा लिए और बोली यू मे गो नाउ। मतलब रशिया का जो इमिग्रेशन है इतना आसान है। दिक्कत आती है आपको इंडियन इमिग्रेशन पर या इंडियन बोर्डिंग पास लेते वक्त, तो भैया वहाँ पर आप थोड़ा बहुत उनसे आर्ग्यूमेंट कीजिए। आर्ग्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ लड़ाई कर लीजिए, नहीं, आप उनको बताइए कि मैं घूमने जा रहा हूँ या मैं ये पर्पज़ से जा रहा हूँ। क्योंकि ये ज़्यादातर जो दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, मेरी फ़्लाइट में कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ से भागना चाहते थे, तो ये दिक्कत तो है खैर, लेकिन यार एक्चुअली में जो सही आना चाहता है दिक्कत उनको आ जाती है। और अगर आप लोग भी रशिया घूमना चाहते हो, मॉस्को घूमना चाहते हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रशिया आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा दे देगा, लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पर आपको बोर्डिंग पास लेते वक्त बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यार अब मैं क्या कर सकता, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि आप मत आओ, तो आइए आप, लेकिन एटलीस्ट सब जुगाड़ करके आइए, अपना फ्लाइट बुकिंग आने जाने की, और आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, और आपके पास इनविटेशन लेटर भी होना चाहिए, और वीज़ा आपको कैसे लेना है वो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना, बहुत सारे लोग हैं
सस्ते में वीज़ा प्रोवाइड करवा रहे हैं। और अगर कोई बात छूट गई हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर में बता देना, कमेंट करके तो मैं आपके बात सवालों का जवाब दे दूंगा। अभी मैं यहाँ पर हूँ, मेरा 28 डेज का वीज़ा है जिसमें से आज दूसरा दिन चला गया, 26 दिन बचे हैं। अभी ये 26 दिन मैं फुल एंजॉय करने वाला हूँ। सो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।